हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पटेल किशन एंड आई एम परसुइंग फर्स्ट एमबीबीएस फ्रॉम बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। सो अपलोडिंग अ वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मैं अपने प्रिपरेशंस में बिजी था। एक्चुअली हमारे कॉलेज में इंटरनल एग्जाम्स थे तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी था। सो टुडे इज 7th of April एंड 7th of May इज योर नी 2023। सो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सम टेक्निक्स विच आई अप्लाइड ऑन माई प्रिपेरेशन एट माई टाइम दैट फेच्ड मी 675 मार्क्स इन नीट 2022। तो वॉट यू शुड डू इन दिस लास्ट 30 डेज इज फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एज मच एज क्वेश्चन यू कैन, और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आप रिवाइज करो। दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच यू कैन डू। और अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो अपनी प्रिपेरेशन में, देन आई थिंक यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज मैक्सिमम मार्क्स एज मच एज पॉसिबल। सो वॉट आई वुड सजेस्ट कि आप हर रोज एक या फिर दो फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट अटैम्प्ट करो। उससे क्या होगा कि इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग वन और टू फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट डेली, देन एट द एंड ऑफ 30 डेज यू वुड बी प्रैक्टिसिंग मैनी क्वेश्चंस। डेफिनेटली यू विल बी प्रैक्टिसिंग लाइक 7 to 8,000 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग वन क्वेश्चन पेपर और टू क्वेश्चन पेपर एज मच एज यू कैन। सो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, सो दैट्स वाई ऑन द सेफर साइड आई टोल्ड की 7 to 8,000 क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग इन दिस 30 डेज। और डेफिनेटली अब जब आप टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करके मीन्स और डेफिनेटली जब आप टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करोगे यू विल कैलकुलेट योर स्कोर एंड तब आपको पता चलेगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस मीन्स इनकरेक्ट किए या फिर कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी होंगे और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस गैस भी किए होंगे। सो वॉट यू शुड डू फॉर दोज एंड हाउ यू शुड रिवाइज आफ्टर दैट। तो जो क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिए दैट मीन्स यू आर गुड एट दैट टॉपिक, मीन्स यू आर गुड एट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो बेसिकली यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम्स इन दोज क्वेश्चंस। बट जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट है या फिर आपने गैस किए या फिर आपने छोड़े, दिस आर द टॉपिक्स विच यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज। सो आप वो सारे जो टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट इन बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड सजेस्ट कि आप वो सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो rather than going to your notes। And for organic chemistry, do कि आपको जो भी अच्छा लगे, if you are doing it from NCERT, then also it's okay। और अगर आपने कोई भी notes बनाए हैं organic chemistry के लिए like short notes containing reactions and all, तो you can revise from there also। And if you are not having those notes, join my Telegram channel, I am providing its link in description। I will upload today or tomorrow, I will upload my short notes of organic chemistry as well। एंड फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे मैं आगे से ही कहते आया हूँ, यू शुड रिवाइज दिस टू थिंग्स फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स ओनली, बिकॉज द शॉर्टेस्ट टाइम टेकिंग थिंग इज रिवाइजिंग दिस फ्रॉम योर शॉर्ट नोट। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉन्गर इन दिस टू सब्जेक्ट दैन यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन पॉसिबल। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू रिवाइज। तो इफ़ यू आर डूइंग सम इनकरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे गो टू एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी एंड रिवाइज। बट ये सब कुछ आपको कहाँ तक करना है, सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि फॉलो दिस टेक्निक फॉर अपकमिंग 20 डेज। और लास्ट के जो 10 दिन है, आई वुड लाइक कि अगर आप वो लास्ट के 10 दिन में जो मीन्स नीट का पूरा सिलेबस है आप वहाँ पर फोकस करो। तो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब लास्ट के 10 दिन है तब यू शुड रिवाइज होल चैप्टर्स। कि अगर आप बायोलॉजी अगर लास्ट के 10 दिन में रिवाइज कर रहे हो तो जो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहे हैं ना, तब उस टाइम पे दोस नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी लेस। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर स्कोरिंग 550 मार्क्स इन टू डेज टेस्ट। लेट्स सपोज यू आर गिविंग टेस्ट ऑन 8th April एंड यू आर स्कोरिंग 550 मार्क्स। सो जैसे जैसे ये जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी बनाई है वो आप फॉलो करते रहोगे फॉर 20 डेज, then definitely you will not be struck at the score of 550. Some of you will also means increase your score to like 600, 630, something like that. So आपके जो incorrect होने वाले questions होंगे वो अब से अगले 20 days में continuously decrease होने चाहिए if you are planning these things in a correct way. तो जब आप last के 10 days में questions practice कर रहे हो तब आपके incorrect होने वाले questions कम होंगे, तो फिर आपके जो problem वाले means जो topics में आपको problem है वो भी कम हो जाएंगे। और अगर लास्ट में आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करोगे जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो रहे हैं, देन इट विल नॉट बी अ गुड थिंग विच कैन फेच यू मैक्सिमम मार्क्स। सो लास्ट के 10 दिन में व्हाट आई एम सजेस्टिंग, टेक बायोलॉजी एनसीईआरटी
और अ गुड नोट्स विच यू प्रिफर एंड रिवाइज होल चैप्टर, रीड होल चैप्टर थरोली. एंड फॉर इनऑर्गेनिक एज वेल एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज होल नोट्स एंड फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री टेक योर शॉर्ट नोट्स, रिवाइज होल फॉर्मूलाज एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स विच आर नीडेड. एंड लाइकवाइज दिस यू कैन रिवाइज योर होल 96 चैप्टर सिलेबस इन लास्ट 10 डेज एज वेल. सो उससे क्या होगा, इन फर्स्ट स्पैन ऑफ 20 डेज यू विल रिवाइज योर वीक टॉपिक्स, और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो आप ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मीन्स रिवाइज कर ही रहे हो. और लास्ट के 10 डेज में यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एंड यू आर रिवाइजिंग होल चैप्टर. सो इससे क्या होगा, इन दिस 30 डेज यू विल रिवाइज द होल वास्ट सिलेबस ऑफ नीट, दैट इज 96 to 97 चैप्टर्स. ये आप सारे ये अपकमिंग 30 डेज में दो बार कंप्लीट कर चुके होंगे विद प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो फ्रॉम माय साइड आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी विच कैन इम्प्रूव योर मार्क्स. और लिटरली मैंने अपने टाइम पर यही फॉलो किया था कि आई वॉज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, एनालाइजिंग माई वीक टॉपिक्स इन इनिशियल डेज एंड एट द एंड ऑफ मीन्स लाइक एट द एंड कि लास्ट के 10 दिन में आई रिवाइज होल दिस सिलेबस ऑफ नीट. एंड इससे जब आप नीट के दिन भी आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ऑन 7th of May यू विल गेट परफेक्शन कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टू गिव एंड हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर. ऑल दिस परफेक्शन यू विल गेट इन दिस लास्ट 30 डेज एंड यू विल रिवाइज डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू. सो फ्रॉम माई साइड दिस वॉज द स्ट्रेटेजी एंड डेफिनेटली आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो कि हाउ टू अटैम्प्ट अ टेस्ट. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.